आज मैं आपको भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन की जीवनी की छोटी सी रूपरेखा बता रही हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे इस प्रकार की प्रेरणाप्रद कहानी को आप सभी के लिए साझा करने की प्रेरणा मिलती रहे। भारत गणितज्ञ रामानुजन का जन्म एक गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर क्लर्क का काम करते थे। रामानुजन के जीवन पर उनकी मां का बहुत प्रभाव था। जब वे 11 वर्ष के थे तो उन्होंने एसएल लोनी द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो जैसे उन्हें ईश्वर के यहाँ से ही मिला था। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट्स एवं कई अवार्ड मिले। वर्ष 1904 में जब उन्होंने टाउन हाई स्कूल से स्नातक पास की तो उन्हें के रंगनाथा राव पुरस्कार प्रधानाध्यापक कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई। उसके बाद वर्ष 1910 में उनका एक ऑपरेशन हुआ। घर वालों के पास उनके ऑपरेशन हेतु पर्याप्त राशि नहीं थी। एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में यह ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन के बाद रामानुजन नौकरी की तलाश में जुट गए। वे मद्रास में जगह जगह नौकरी के लिए घूमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी किए। वे पुनः बीमार पड़ गए। इसी बीच वे गणित में अपना कार्य करते रहे। ठीक होने के बाद उनका संपर्क नेलोर के जिला कलेक्टर रामचंद्र राव से हुआ। वह रामानुजन के गणित में कार्य से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन की आर्थिक मदद भी की। वर्ष 1912 में उन्हें मद्रास में चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। वे ऑफिस का कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गणित का रिसर्च करते रहते। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां उनके कार्य को खूब प्रशंसा मिली। उनके गणित के अनूठे ज्ञान को खूब सराहना मिली। वर्ष 1918 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चुना गया। वह पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान पोजीशन के लिए चुना गया। बहुत मेहनती एवं धुन के पक्के थे। कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक कठिनाइयाँ, बीमारी एवं अन्य परेशानियाँ उन्हें अपनी धुन से नहीं डिगा सकी। वे अंततः सफल हुए। आज उन्हें विश्व के महान गणितज्ञों में शुमार किया जाता है। 32 वर्ष की छोटी उम्र में ही इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का देहावसान हो गया। भारत ने एक महान गणितज्ञ को खो दिया। आज भी उनकी स्मृति में विश्व उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता है। धन्यवाद। जय हिंद।